नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। घर के बाहर खेल रहे मासूम को डंपर ने कुचला, मासूम की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कौशाम्बी जिले में कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में डंपर ने मासूम को कुचल दिया, जिसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शहजादपुर के राजन टोला के आवैद अहमद उर्फ भुल्ला की 4 वर्षीय पुत्री सूफिया बानो घर बाहर खेल रही थी, उसी समय गंगा ब्रिज की बन रही सड़क में मिट्टी ढोने लगे डंपर बच्ची को कुचलते हुए आगे निकल गया, जिससे बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे चौकी प्रभारी गौरव द्विवेदी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही डंपर की ड्राइवर सहित चौकी लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बच्ची की मौत से घर में कुचला मचा हुआ है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। मासूम बच्ची को कुचला है, क्या है पूरा मामला? मेरे संज्ञान में आया कि इस जगह से ये डंपर के माध्यम से मिट्टी का परिवहन हो रहा है और यहाँ सकरे रास्ते हैं जिससे होकर ये जा रहे हैं, जिससे कि बच्ची को चोट पहुंची और उसकी मृत्यु हुई। इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और पूरे मामले की जांच करके हम इस पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये जो डंपर है मालिक है, जो अवैध परिवहन कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR का मैंने आदेश दे दिया। क्या परिवार को कोई सहायता? मैं नियमों के तहत जो भी सहायता होगा वो इसे किया जाएगा। परिवार का एक अपना अहम सहायता की आवश्यकता है, मैं उसको नियमानुसार करा लूँगा। ये डंपर जा रहा था मिट्टी लेके और बच्चा वहाँ रोड पे था, ये डंपर वाला दाब दिया, दर पे ही ख़त्म हो गई लड़की। तो क्या आप लोगों ने क्या किया? हम लोग सब कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, ड्राइवर को रोक के बिठा लिया था और डंपर को खड़ा कर लिया था। SDM साहब को फ़ोन किया, SDM महोदय आए और थाना कोखराज के पुलिस आई, उनके सामने जो भी हुआ लिखा पड़ी हुआ, अब लाश लेके जा रहे हैं पंचनामा। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद मजीद, हमारा भाई आवेद आलम है, उसकी लड़की है, हम उसके बड़े भाई हैं।